हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। आज के दिन बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, बट थोड़ा सा टेक्निकली आज कुछ ज़्यादा ही इशूज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे आरजे से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने वेबिनार कंडक्ट किया था, जहाँ पे जोमेटो से रिलेटेड अगर और भी उन्होंने कुछ यहाँ पे बातें की है, टेस्ला से रिलेटेड की है। एक ऐसा शेयर है जहाँ पे आरजे ने तीसरी बार बाइंग की है, उसी के साथ साथ आरजे बैग कंपनी उसका आईपीओ भी आने वाले, मतलब ऐसे कुछ वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। एक ऐसा स्टॉक जहाँ पे गिरावट के चांसेस है, तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएंगे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जरूर चेकआउट करना। बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, बट नोटिफिकेशन के इशू के कारण कुछ टेक्निकल इशूज है, इसीलिए आप लोगों के पास वो नहीं पहुँच रहे। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लास है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर, वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी बात करने वाले चार स्टॉक्स के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे मैं करूँगा एसबीआई कार्ड। ऑब्वियसली ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी, पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। सो एसबीआई कार्ड की अगर हम लोग बात करें, रिजल्ट हम लोगों के सामने यहाँ पे आ चुके हैं। रिजल्ट की बात करें तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल परफॉर्मेंस हर किसी कंपनी में हम लोग को ऐसा ही देखने को मिल रहा है। प्रोविजनिंग की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग कह सकते हैं ठीक है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस जो हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है फ्लैट, मतलब जितना प्रोविजनिंग पहले भी किया गया था उतना ही प्रोविजनिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस भी सेम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रोविजनिंग की वजह से ही क्वार्टरली हम लोगों को रिजल्ट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बात करें एसबीआई कार्ड की, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक सॉलिड रीज़न है आप लोगों के पास इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, कि ये डूबेगा नहीं। नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई, आप सभी लोग पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो कुछ भी हो जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो बिजनेस चलने वाला है, सरकार पूंजी डालने ही वाली है। सो डेफिनेटली एसबीआई कार्ड का बिजनेस भी आगे रन होने वाला है। रेवेन्यू की भी बात करें, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। सो डेफिनेटली फ्यूचर में कंपनी और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। और डेफिनेटली ये भी हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल जो कोविड का इम्पैक्ट था वो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर साफ साफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो फाइनेंस से ही जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि हम लोग को फिलहाल 950 के आसपास देखने को मिल रहे। बीच में एक बहुत बड़े ग्रुप ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थी, ऐसा भी हम लोग कह सकते थे, स्टेक सेल किए थे उन्होंने, उसके चलते ये स्टॉक हम लोग को 1000 के नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं फिलहाल की अगर बात करूँ तो ये कंपनी जब से शुरू हुई तब से लेके एक ही रेंज पर हम लोग को देखने को मिल रहे, 1000 से लेके अगर हम लोग बात करें 500, मतलब ये तो कोविड के चलते नीचे आया था, उसके ओपनिंग भी वैसी हुई थी, उसी रेंज में हम लोग को देखने को मिली है। सो अगर हम लोग नॉर्मल रेंज की बात करें, सो 900 से लेके 1000 तक का रेंज, यही रेंज में कंपनी हम लोग को घूमते हुए देखने को मिल रही है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई कंपनी, आप सभी लोगों को पता है एसबीआई से रिलेटेड ही है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विजन बहुत ही लंबी अवधि तक है होल्ड करने का, तो आप एसबीआई कार्ड के साथ जरूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पे होने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा से अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि बहुत ही फास्ट रिटर्न मिलने चाहिए, तो वो कंपनी, ये वाली कंपनी इतने फास्ट रिटर्न नहीं देंगी जितने कि आप बाकी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो। लार्ज कैप है, थोड़ा सा स्लो ही चलेगा, सो ये भी आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। सो कंपनी है मजबूत, आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से भी, तो रिलायंस इंडस्ट्री तो जरूर रडार के ऊपर रहेगा ही। कल के दिन देखना है कि रिलायंस के नंबर बाजार को कैसे लगे। ओवरऑल रिजल्ट से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, आप चाहो तो कल के दिन जितने भी प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोगों को ये रिजल्ट वाला सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। रिलायंस की बात करें तो दोस्तों देखिए, इसका फोकस ना पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंपनी के क्वार्टर वन, इसके पहले के भी क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री के नंबर्स भी, क्वार्टर फोर के नंबर भी शानदार ही थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिलायंस के नंबर डाउनग्रेडेड हुए, नीचे गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर वक्त उनके नंबर अच्छे ही देखने को मिले हैं। इस वक्त भी अगर हम लोग देखते हैं एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट को इंक्लूड करने के बावजूद भी ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, जो एक्चुअल में जो जियो से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वही एक परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। बट अगर हम लोग बात करें रिटेल की, तो आप सभी लोग पता है अमेजोन के साथ जो उनका फ्यूचर रिटेल के साथ जो ट्रायंगुलर बना हुआ है वो कोर्ट में ही यहाँ पे चल रहा है अभी तक, तो फिलहाल मामला हाई कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट, तो ये बहुत ही लंबा खींचने वाला है। एंड उसी के साथ साथ ओ टू सी बिजनेस की बात करें, तो सऊदी अरब को की डील, वो भी आप लोगों को पता है, लगा था कि इस एजीएम में तो शायद से वो ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट कर देंगे, हालांकि देखा जाए तो वो डील एक्चुअल में हो चुके, बट यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस होने के लिए हम लोग को बाय द एंड ऑफ डिसम्बर तक इंतजार करना पड़ने वाला है। सो अभी भी ऑफिशियली दोनों चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं है, तो इसी का खामियाजा रिलायंस के शेयर एंड उनके शेयर होल्डर को देखने को पड़ रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट की जर्नी में ये सारी चीज़ें एक बहुत ही आम बात होती है अगर आप एक इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के,
तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों का मतलब आदत आप लोगों को होना चाहिए। यस, बिग डिस्क्लेमर, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पुराने समय से, अगर आपको लगता है बायस ओपिनियन है तो आप कंप्लीटली इस चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। बट इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रिलायंस से रिलेटेड अगर मैं देखने जाऊँ ये सारी चीज़ों को, तो इसके ऊपर उतना कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, जैसे मैंने कहा था कि जो चीज़ रिलायंस अगर 10 महीने में अचीव कर सकती थी, शायद से उसके लिए उसको साल भर इंतज़ार करना पड़े, 1.5 साल लगे और एक्स्ट्रा 6 महीना भी लग सकता है, बट अचीव तो ज़रूर होगा। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो रिलायंस बर्बाद ही हो जाएगा। एंड जो मेन मोटिव था रिलायंस का, अगर हम लोग सऊदी अरब को के डील की भी बात करें, तो उन्होंने कहा था कि उससे आने वाले पैसे से रिलायंस नेट डेट फ्री घोषित कर देंगे। सो ऐसी भी कोई बात अभी तक तो हम लोग को देखने को मिलने वाली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जियो के स्टेक सेल करके रिलायंस ने इतना अमाउंट तो कलेक्ट कर लिया है कि वो नेट डेट फ्री खुद को घोषित कर चुके समय से भी पहले। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, रिलायंस के पास एक मोनोपोली भी है, आप सभी लोगों को पता है पॉलिटिकल लेवल की एक अच्छी खासी मोनोपोली है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। उनके चेयरमैन मुकेश अंबानी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है अगर हम लोग बात करें तो। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए वैसे भी। देन अगर हम लोग बात करें रिलायंस का, एक सबसे बढ़िया अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो हथियार है वो है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल के स्टेक सेल जस्ट शुरू हुआ था, उसके बाद फ्यूचर रिटेल के डील के कारण वो रुकता हुआ देखने को मिला है। वरना मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोगों ने देखा था रिलायंस 1000 के आसपास था, 1100-1200, एंड वो 1000 से 2000 क्यों हुआ, जियो के स्टेक सेल से रिलेटेड डेली न्यूज़ आते थे, वैसे रिलायंस रिटेल के भी स्टेक सेल होना बाकी है एंड वो होंगे भी स्टेक सेल फ्यूचर में। हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक चाहे तो मुकेश अंबानी ऊपर भी लेके जा सकते हैं, फिलहाल उस डील के चलते वो रुके हुए हैं। सो ये एक पावर आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो। सो रिलायंस भी अगर आपके पास है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कंटिन्यू करना चाहिए। एज अ इन्वेस्टर हमें ये सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोगों को सब कुछ हरा भरा देखने को मिलेगा, मतलब आपके पोर्टफोलियो में भागते ही रहेगा वो शेयर, भागते रहेगा ऐसा कभी नहीं होगा। हर शेयर का टाइम आता है, वो कंसोलिडेट होता है, कभी डाउन जाएगा, कभी ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, ये हर फेस में ये स्टॉक मतलब हर एक अच्छा स्टॉक इस फेस के साथ जाता ही है। इसलिए मैंने जो आज के दिन का सबसे पहला वीडियो 9 बजे, यस सुबह 9 बजे एक वीडियो आया है, वो उसको देख लेना, आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके मेंटालिटी रेडी हो चुकी है, बट उसके बीच में ये ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, उसके साथ अगर आप लोग पहले ही प्रिपेयर रहोगे मेंटली तो आप अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में कमा पाओगे। सो रिलायंस से रिलेटेड भी यही कहना चाहूँगा, आप ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। देन ITC, यस ITC एक ऐसा स्टॉक है, ओपनली बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी में कोई मतलब परफॉर्मेंस वाइज वैसे खराबी कोई है नहीं, मतलब ये 200 रुपये तो डिजर्व नहीं करता, इतना तो मैं कह सकता हूँ। यस, बट इसके रीजंस की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे इसके ऊपर तलवारें लटकती हुई देखने को मिल रही है, एंड इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पे निवेश नहीं कर रहे हैं। एंड सबसे वीक पॉइंट ITC का कोई रहा है तो वो है फॉरेन इन्वेस्टर। आपको पता है इस वक्त की जो बुल रन आपको देखने को मिला है मार्केट का, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो फॉरेन इन्वेस्टर का भी है। एंड ITC में तो, या फिर ITC क्यों, बाकी भी जो टबैको से रिलेटेड जो कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स भी देख सकते हो, वेस्ट इंडस्ट्री चेक कर लेना, इन तीनों कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर लगातार हम लोगों को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ का खामियाजा ITC को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अगर डी मर्जर से रिलेटेड कोई अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती है तभी जाके कुछ वैल्यू अनलॉकिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे हो सकते हैं, बट ITC ने खुद कहा है कि ये सारी चीज़ें अफवाह है, ऐसा वो कुछ भी फिलहाल तो सोच नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं ITC के नंबर भी हम लोगों ने चेक कर लिए, तो यहाँ पे अदर FMCG जो सेक्टर था वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था। एंड उसी के साथ साथ जो अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर, यस एग्रीकल्चर ने भी बहुत ही इंप्रेसिव नंबर्स दिखाए क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। बट सिगारेट की बात करें तो अगेन गिरावट देखने को मिला, एंड प्लस सिगारेट एक ऐसा बिजनेस है जो कि हम कह सकते हैं कि सरकार की ओर से अगर हम लोग देखें तो हमेशा वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते रहते हैं, तो इसके चलते ये प्रेशर हम लोग को ITC के ऊपर यहाँ पे बने बने हमें बार बार यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड सरकार का एक और प्रेशर आप सभी लोगों को पता है सूती का, यस अगर हम लोग बात करें तो सरकार लगभग 7 से 8% के बीच में हिस्सेदारी होल्ड करती है, एंड अगर वो शेयर्स बेच देते 98 करोड़ शेयर्स है उनके पास तो कितना ओवर सप्लाई हो जाएगा, ये मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस डर के वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें बड़ी बाइंग करने के लिए भी कतराते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सरकार कब बेचेगा, राइट। क्योंकि अगर आप इसको 100% बोलोगे कि मुझे पता है कि सरकार कब बेचने वाले हिस्सा, तो डेफिनेटली आप अंदर जाओगे, क्योंकि उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती, राइट। सो ITC इसी कुछ चीज़ों के वजह से बार बार जूझ रहा है, राइट। एंड उसका सॉल्यूशन भी क्या है वो किसी को पता नहीं है, सरकार अगर एक बार बेच कर निकल गई डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे टूटने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि कोई भी वो ऑफर एक्सेप्ट करने की अगर हम लोग बात करें जो प्राइस रहेगी वो कोई भी 200 के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसके डिस्काउंट के ऊपर ही एक्सेप्ट करेगा नीचे। सो डेफिनेटली वो स्टॉक नीचे ही यहाँ पे आ जाएगा, बट एक लटकती हुई तलवार तो एटलीस्ट हट जाएगी। बट अभी ये तो इफ कंडीशन बट वाली बातें हैं, फ्यूचर में होगा नहीं होगा पता नहीं,
एक्सपर्ट के जरिए तो एक खबरें सामने बार बार आ रही कि शायद से सरकार अपना जो टारगेट लेके चल रही है कि डाइवेस्टमेंट करने का, तो उसमें ITC का भी नाम शायद से शामिल हो सकता है। अभी देख लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छी ही बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक बार का वो जो अटका हुआ, मतलब बोलते हैं ना गले में अटकी हुई हड्डी है, वो अगर निकल गई तो अच्छी बात है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें यहाँ पे डराती रहती है। अगर हम लोगों ने खरीद लिया एंड बाद में न्यूज़ आ गई सरकार यहाँ पे हिस्सा बेच रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसीलिए ITC का भी कल हम लोगों को देखना है कि रिस्पॉन्स कैसे रहने वाला है, क्योंकि नंबर्स हम लोग को या फिर छुट्टी के दिन देखने को मिले हैं। एंड आखिरी स्टॉक येस बैंक, रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ 10-12 रुपये के आसपास है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर को मैं सिखाने के लिए ऐसे स्टॉक आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। अगर आप अर्निंग के बारे में सोचते हो इस स्टॉक के बारे में, तो आप अभी भी कह रहा हूँ बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि येस बैंक से भी बहुत बढ़िया बढ़िया बैंक आप लोगों को मिल जाएंगे जिनके नंबर्स बहुत ही मतलब स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज है। येस बैंक की मैं बात करूँ तो येस एडवांटेज वाली बात तो ये बिल्कुल है कि येस बैंक ने इस वक्त का जो प्रॉफिट दिखा है बहुत ही शानदार है। खास करके ये प्रॉफिट इसलिए आया क्योंकि इस वक्त के प्रोविजनिंग कम है, एंड हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस वक्त प्रोविजनिंग की अकाउंटिंग कम करके दिखाई है, क्योंकि लास्ट टाइम की जो प्रोविजनिंग दिखाई है वो लाखों में, मतलब 5 से 6 लाख कि इतना बड़ा मतलब अमाउंट, उसके ऊपर भी लैक्स करोड़ की बात है, इतना बड़ा प्रोविजनिंग लास्ट वक्त दिखा है, तो उसका खामियाजा ऑलरेडी येस बैंक भुगत चुका है 20 से लेकर 13 रुपये। सो इस वक्त येस बैंक के नंबर पॉजिटिव यहाँ पे आ चुके हैं, एंड अगर हम लोग कहें कि प्रोविजनिंग अगर 1 लाख को क्रॉस नहीं करती, उसी के अंडर रहती है, सो ये प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंटिन्यू हो जाती है तो येस बैंक धीमे धीमे करके ऊपर जा सकता है। देखिए ये बेतुकी बात है, ये 50 जाएगा, ये 1000 जाएगा, 100 जाएगा, देखिए जाने के लिए 10,000 भी जा सकता है, बट उसके लिए आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए, नंबर अच्छे होने चाहिए। हाँ, अभी उस कंडीशन में नहीं कि ये 50-100 जाए करके, बट येस अभी के जो नंबर है इतना हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रुझान तो यहाँ पे येस बैंक में हमें आगे फ्यूचर में मतलब आने वाले 3 महीने में बनते हुए देखने को मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ NPA का तो प्रॉब्लम रहेगा ही, ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहने वाला कि NPA से ये मुक्त हो जाएंगे, बट NPA भी इस वक्त कंपैरेटिवली फ्लैट देखने को मिले हैं कंपैरेटिवली। सो ये कुछ पॉजिटिव साइंस है जो कि येस बैंक के शेयर को कल के दिन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं। सो इन 4 स्टॉक्स के ऊपर कल आप लोगों ने स्टडी करने के लिए फोकस यहाँ पे रखना है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।